हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्सपिरेशन। हमारे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एक्सपिरेशन प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था, एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था जिसमें हमने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, रीब्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्रेगम, इन सब के लोकेशंस को बहुत ही अच्छे तरह से देखा था। तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, वो स्ट्रक्चर का यहाँ पे ज़रूरत होगा। तो आपने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसके वजह से आप ये वीडियो आज बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो एक्सपिरेशन क्या होता है, एक्सपिरेशन जो होता है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारे लंग से वो आउटसाइड को रिमूव हो जाता है। तो लाइकवाइज जैसे इंस्पिरेशन में तीन पार्ट्स थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, यहाँ पे भी क्या होंगे, तीन पार्ट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। पहला जो है वो है डायफ्रेगम, दूसरा जो है वो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और तीसरा जो है वो है एब्डोमिनल मसल्स। हमने देखा था कि इंस्पिरेशन प्रोसेस में भी क्या होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वहाँ पे क्या था, हमारा डायफ्रेगम था और एब्डोमिनल मसल्स, ये दोनों तो वहाँ पे था ही, लेकिन इंस्टेड ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स वहाँ पे क्या प्रेजेंट था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट था। लेकिन इन केस ऑफ एक्सपिरेशन क्या होगा, यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि ये जो डायफ्रेगम जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे इंस्पिरेशन प्रोसेस में हमने देखा था कि जो डायफ्रेगम था उसके साथ जो मसल्स वहाँ पे अटैच्ड होके प्रेजेंट थे उनका क्या हो रहा था, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। और बिकॉज ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा था, हमारा जो डायफ्रेगम जो ऐसे डोम शेप्ड है वो फ्लैट हो जा रहा था। तो जब ये डोम शेप डायफ्रेगम वहाँ पे फ्लैट हो जा रहा था तो ये वाले पोर्शन में जो हमारा थोरासिक कैविटी वाला एरिया जो था उसका वॉल्यूम क्या हो जा रहा था, इंक्रीज हो रहा था। मींस व्हाट, ये जो डायफ्रेगम डोम शेप था वो यहाँ पे फ्लैट हो जा रहा था, जिसकी वजह से जो थोरासिक कैविटी वाला वॉल्यूम जो था वो इंक्रीज हो जा रहा था और एयर का प्रेशर जो था वो डिक्रीज हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वो जो डायफ्रेगम के साथ जो हमारे मसल्स जो यहाँ पे अटैच्ड हैं विद द डायफ्रेगम, वो यहाँ पे क्या कर जाएंगे, रिलैक्स कर जाएंगे। और बिकॉज ऑफ दैट रिलैक्सेशन यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा फ्लैटेंड होके यहाँ पे डायफ्रेगम प्रेजेंट था वो अगेन क्या हो जाएगा, डोम शिफ्ट हो जाएगा। जो भी कंटेंट्स एब्डोमेन में प्रेजेंट थे वो टुवार्ड्स द डायफ्रेगम क्या होंगे, पुश होंगे, जिसकी वजह से डायफ्रेगम फिर से ऐसे डोम शिफ्ट हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट कन्वर्शन इन टू डोम शिफ्ट ऑफ द डायफ्रेगम, जो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो वो अगेन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो डिक्रीज होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, इनसाइड दैट थोरासिक कैविटी एयर का जो प्रेशर था वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। हमने पहले पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो थोरासिक कैविटी का वॉल्यूम होता है और एयर का जो प्रेशर होता है वो दोनों के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मीन्स व्हाट, इंस्पिरेशन में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था इन वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी, जिसकी वजह से एयर का जो प्रेशर था वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। लेकिन इन केस ऑफ एक्सपिरेशन प्रोसेस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एयर का जो प्रेशर है इनसाइड द थोरेसिक कैविटी वो इंक्रीज कर जाएगा। द नेक्स्ट जो पार्ट हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सपिरेशन में क्या होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यहाँ पे एक्टिव होंगे, लेकिन इंस्पिरेशन में क्या हो रहा था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी इंस्पिरेशन प्रोसेस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, हमारा जो रिब्स है वो थ्रू इंस्पिरेशन प्रोसेस क्या था, वो ऐसे अपवर्ड होके आउटवर्ड मूव किया था। लेकिन इन दिस प्रोसेस क्या होगा, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये जो आउटवर्ड रिब्स यहाँ पे प्रेजेंट थे वो ऐसे इनवर्ड होके अगेन डाउनवर्ड मूव कर जाएंगे। मीन्स वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएंगे, ऐसे इनवर्ड होके वो ऐसे डाउनवर्ड मूव कर जाएंगे, जिसकी वजह से अगेन क्या होगा, हमारा जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो था वो यहाँ पे फिर से डिक्रीज हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, अगेन एयर का प्रेशर इनसाइड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन इंस्पिरेशन प्रोसेस में क्या हो रहा था, इसका ऑपोजिट हो रहा था, रिब्स जो थे वो क्या हो रहे थे, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव कर जा रहे थे, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द रिब्स टुवर्ड्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, और उसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे एयर का जो प्रेशर है इनसाइड द थोरेसिक कैविटी वो इंक्रीज कर जाएगा। द नेक्स्ट जो हमारा पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपिरेशन वो है
हमारा एब्डोमिनल मसल्स। सो एब्डोमिनल मसल्स वहाँ पे क्या कर रहे थे, वहाँ पे एब्डोमिनल मसल्स, वहाँ पे मीन्स व्हाट, जो एब्डोमिनल मसल्स थे वो इंस्पिरेशन प्रोसेस में क्या कर रहे थे, रिलैक्स कर जा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, डायफ्रेगम जो था वो इजीली कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो एब्डोमिनल मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, जो हमारा एब्डोमेन में जो भी पार्ट्स प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, डायफ्रेगम को पुश करेंगे। बिकॉज ऑफ दैट पुशिंग मूवमेंट ऑफ द कॉन्टेंट्स, डायफ्रेगम जो है वो क्या हो जाएगा, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। जैसे कि ये है हमारा डायफ्रेगम जो कि फ्लैटेंड होके प्रेजेंट था इन द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन, यहाँ पे जो कॉन्टेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट थे वो क्या करेंगे, यहाँ पे पुश करेंगे टुवर्ड्स डायफ्रेगम, जिसकी वजह से क्या होगा, डायफ्रेगम अगेन डोम शिफ्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, अगेन वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, एयर का जो प्रेशर है इनसाइड द थोरेसिक कैविटी वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ओवरऑली ये तीनों प्रोसेस में क्या हो रहा है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एयर का प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जा रहा है। सो इंस्पिरेशन प्रोसेस में हमने देखा था कि एयर जो है वो मूव कैसे करता है, सो लाइकवाइज यहाँ पे क्या होगा, हम एक्सपिरेशन प्रोसेस में भी देखेंगे कि मूवमेंट ऑफ एयर जो होता है वो किस पाथवे से होता है। तो हमने देखा था कि हमारा जो तीनों पार्ट्स जो है, डायफ्रेगम, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स जो है, उनकी एक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा था, ओवरऑली जो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा था, जिसकी वजह से एयर का जो प्रेशर जो है वो इनसाइड द थोरेसिक कैविटी वो इंक्रीज कर रहा था। और हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि एयर का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा हाई एटमोस्फेरिक प्रेशर से वो लो एटमोस्फेरिक प्रेशर की ओर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, थोरेसिक कैविटी के अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर इंक्रीज है इन कंपेरिजन टुअर्ड्स आउटसाइड, यहाँ पे क्या होगा, एयर जो है वो कैविटीज ऑफ एल्वियोली से वो क्या होंगे, आउटसाइड को वो मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पे पाथवे क्या होगा, एल्वियोली से क्या होगा, एयर जाएगा एल्वियोलर डक्ट को, देन फ्रॉम दैट एल्वियोलर डक्ट क्या होगा, एयर जाएगा ब्रोंकियल्स को, देन ब्रोंकाई से जाएगा ट्रकिया से जाएगा लैरिंग्स से थ्रू ग्लॉटिस क्या होगा वो फेरिंग्स के पास जाने के बाद वो जाएगा देन इंटरनल लेयर्स से वो जाएगा नाजल कैविटीज से वो थ्रू एक्सटर्नल लेयर्स होते हुए वो कहाँ आ जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। इंस्पिरेशन प्रोसेस में क्या था, ये उसका टोटल ऑपोजिट था, वहाँ पे आउटसाइड से एयर क्या हो रहा था, टुवार्ड्स द एल्वियोली मूव कर रहा था, लेकिन इनके सब एक्सपिरेशन क्या होगा, एल्वियोली से एयर क्या होगा, टुवार्ड्स आउटसाइड मूव करेगा थ्रू दिस पाथवे। सो यहाँ पे क्या होगा, हमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने होंगे। सो इन केस ऑफ एक्सपिरेशन क्या होता है, वो जो हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं उनको हम बोलेंगे मसल्स ऑफ एक्सपिरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों मसल्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, वो जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और जो एब्डोमिनल मसल्स है वो यहाँ पे जाने जाएंगे एज मसल्स ऑफ एक्सपिरेशन। सो इंस्पिरेशन में क्या होगा, सिमिलरली क्या होगा, जो हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थे और जो मसल्स हमारे डायफ्रेगम के साथ अटैच थे उनको हम क्या बोलेंगे, मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन। सो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स हैं वो है मसल्स ऑफ एक्सपिरेशन, और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और मसल्स ऑफ डायफ्रेगम जो है, मीन्स डायफ्रेगम के साथ जो मसल्स का अटैचमेंट है वो क्या होंगे, यहाँ पे मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन। सो अगर आपको ये एजुकेशनल वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।